वालेकुम व्यूअर्स, तो इस वीडियो में हम 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी के कुछ एमसीक्यूज हल करेंगे। याद रहे जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने कुछ एमडीकेट के पास पेपर से निकाले हैं, कुछ मैंने बुक से लिए हैं और कुछ मैंने अपने बनाए हैं जो कि एमडीकेट की एंटी टेस्ट में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, प्लांट्स दैट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एज वेल एज फ्लावर्स एंड सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट आर कॉल्ड एज। वो प्लांट्स जिनको ट्रू रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं और उनको फ्लावर्स भी हैं और सीड जो है वो फ्रूट में इनक्लोज्ड हैं, तो उनको कैसे क्लासिफाई किया गया? उनको ब्रायोफाइट कहते हैं, ट्रिकोफाइट कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं या फिर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म यानी डी। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, इनके सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट में इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2, वीट्स, ओट्स, राइस एंड कॉर्न्स बिलोंग टू द फैमिली। वीट जो होती है, ओट्स, राइस और कॉर्न जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? फैबेसाई, पोएसाई, सोलेनसाई, रोजेसाई या फिर कैसाई? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब होगा पोएसाई, क्योंकि पोएसी जो फैमिली है उसमें वीट्स भी आ जाते हैं, ओट्स, राइस और कॉर्न आ जाते हैं। तो बी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 3, द एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय ब्रायोफाइट्स फॉर द सर्वाइवल ऑन लैंड इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो लैंड पे सर्वाइव करने के लिए जो उनके पास एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, इन पांचों में से वो चार हैं और एक जो है वो उसका कैरेक्टर नहीं है। तो हमें ढूंढना है कि वो एक कैरेक्टर का कौन सा नहीं है। पहला है हेट्रोगेमी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लिग्निन, फोर्टिफाइड टिश्यूज, कंजर्वेशन ऑफ वाटर या फिर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो हेट्रोगेमी भी उसका कैरेक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन भी उसका कैरेक्टर है, लेकिन लिग्निन, फोर्टिफाइड टिश्यूज जो है वो उसका कैरेक्टर नहीं है। एडाप्टिव कैरेक्टर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी उसका कैरेक्टर है और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो भी उसका कैरेक्टर है। तो सी जो है वो सही जवाब है कि लिग्निन फोर्टिफाइड जो टिश्यूज होते हैं वो एडाप्टिव कैरेक्टर्स नहीं है ब्रायोफाइट के। एमसीक्यू नंबर 4, द बोटैनिकल नेम ऑफ टच मी नॉट इज, जो साइंटिफिक नेम है यानी बोटैनिकल नेम है टच मी नॉट प्लांट का, तो जिसको हम उर्दू में छुई मुई भी कहते हैं, तो उसका साइंटिफिक नेम यानी बोटैनिकल नेम क्या है? एकेशिया निलोटिका या फिर मिमोसा प्यूडिका या फिर एकेशिया कैच्यू या फिर प्रोजोपिस ग्लैंडुलोसा या फिर अल्बिजिया लेबेक। तो ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता है कि टच मी नॉट का प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है मिमोसा प्यूडिका यानी बी, मिमोसा प्यूडिका। एमसीक्यू नंबर 5, द बोटैनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल इज, ब्रिंजल का बोटैनिकल नेम यानी या फिर साइंटिफिक नेम कौन सा है? सोलेनम मिलोंगिना, डेट्यूरा अल्बा, सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबेरोसम या फिर सेस्ट नॉक्टर्नम। तो ब्रिंजल का जो बोटैनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम मेलोंगिना। ठीक है, यानी ए इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 6, देखिए ये पास पेपर्स, ये सारे जो है एमसीक्यूज में बता रहा हूँ, ये सारे पास पेपर से लिए हैं और ये जो मैंने तस्वीर लगाई है ये भी पास पेपर की ही एक तस्वीर है जो कि निकाल के मैंने नजर लगाई है, ताकि आपको ये शक ना रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये पास पेपर से लिए हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एमसीक्यू नंबर 6, द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली फैबेसाई और पी फैमिली इज, फ्लोरल फार्मूला जो हर फैमिली का होता है उसमें पूछा है जो फैबेसाई फैमिली है या यानी पी फैमिली, उनका फ्लोरल फार्मूला कौन सा है? तो जो पी प्लांट यानी पी फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला है वो है जिसमें हमारे पास ए जो है वो 9+1 आते हैं यानी बी। ना शॉर्टकट होता है याद करने का, तो मैं सिर्फ ऐसे याद करता हूँ 9+1 ये उसको करता है। तो इस हिसाब से बी का सही जवाब होगा कि उसमें जो फ्लोरल फार्मूला है वो 9+1 एज मेरी ट्रिक है याद करने की, तो बी का सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 7, व्हिच पेयर कंटेन्स ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट फाइला, इन पांचों में से वो कौन सा पेयर है जिसमें ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन वो डिफरेंट फाइलम के हैं? मॉस लिवरवर्ट्स, म्यूकर राइजोपस, मॉस क्लब मॉस या फिर पेट्यूनिया टोबेको या फिर स्टारफिश या फिर बटलफिश। तो इसमें हम देखें कि मॉस और क्लब मॉस ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के यानी अलग अलग फाइला के हैं,
तो सी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 8 फिर से फ्लोरल फार्मूला आ गया था। फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली सोलेनेसी और पोटेटो फैमिली इज, पोटेटो फैमिली है या फिर सोलेनेसी फैमिली जो है वो सेम है, तो उसका फ्लोरल फार्मूला कौन सा है ये हमसे पूछ रहा है। तो ये भी ट्रिक है, इसको मैंने याद किया है, एक लकीर ऊपर सी और एक लकीर लगी हुई है यानी ए, ये इसकी ट्रिक है याद करने की, सोलेनेसी फैमिली का कि इसके ऊपर लकीर लगी हुई है, तो ये ए इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 9 इन जिम्नोस्पर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेगास्पोरिन जिम गिव राइज टू, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेगास्पोरिन जिम किस चीज क्या चीज बनाती है, किस क्या चीज बनाती है, फ्रूट सीड न्यू प्लांट थ्रोन्स या फिर लीव्स। तो जिम्नोस्पर्म जो है मेगास्पोरिन जिम जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड को सीड प्रोड्यूस करती है, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड प्रोड्यूस करती है। 9 का 9 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 10 पोलन ग्रेन्स इन कॉनिफर्स आर, कॉनिफर्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एब्सेंट हैं या फिर सारे स्पीशीज में विंग्ड होते हैं या फिर कंटेंट इन स्पोरेंजियम एंड ऑल नेवर रिलीज, या फिर स्पोरेंजियम में होते हैं वो रिलीज नहीं होते, या फिर प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्पोर माइटोटिकली एंड रिलीज, या फिर माइटोसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज होते हैं, या फिर इनको विंग्स ही नहीं है। तो हमें पता है कि पोलन ग्रेन्स कॉनिफर के, कॉनिफर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं हर स्पेशी में, तो बी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 11 डैश इज द कॉमनली नोन एज आलमंड, इससे ये पूछ रहा है कि आलमंड का साइंटिफिक नेम क्या है, आलमंड का साइंटिफिक नेम क्या है, रोजा इंडिका या फिर पायरस मेलस या फिर कॉम्यूनिस या फिर प्रेनस एमाइगडिलस या फिर प्रेनस पर्सिका। तो हमें पता है कि आलमंड का जो साइंटिफिक नेम है वो है प्रेनस एमाइगडिलस, ठीक है ना, ये आलमंड और एमाइगडिलस थोड़ी एसोसिएट होते हैं इसमें स्पेलिंग के हिसाब से, तो इस तरह ये ट्रिक हो सकती है याद करने की। एमसीक्यू नंबर 12 पीच ट्रीज एप्पल ट्रीज टोमेटोज एंड चुई हुई आर एग्जाम्पल ऑफ, ये पूछ रहा है कि पीच की ट्रीज या फिर एप्पल की ट्रीज या फिर टोमेटोज या फिर चुई हुई जो प्लांट होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट एंजियोस्पर्म क्लोरोप्लाइट्स या फिर रेप्टोफाइट्स। तो ये तो बिल्कुल ईजी है कि पीच के ट्रीज ये सारे मॉडर्न ट्रीज हैं, मॉडर्न ट्रीज तो ये सारे इसमें जो फ्रूट्स हैं टोमेटो एप्पल या फ्रूट्स या कुछ भी है इस हिसाब से, तो इनमें सीड पाया जाता है, लेकिन सीड कवर होता है ना फ्रूट में अंदर होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म के, ये जो ट्रीज हैं वो सारे एंजियोस्पर्म के एग्जांपल हैं, है ना, क्योंकि इसमें जो सीड पाया जाता है वो फ्रूट के अंदर पाया जाता है, वेयर एज जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है ना। एमसीक्यू नंबर 13 व्हिच स्ट्रक्चर कंटेन्स द फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो प्लांट का स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा है, ये पूछा है इसमें फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा है, तो इसमें ऑप्शंस भी है 1, 6, 7, 9, 11, 1, 1 कौन सा है इधर 1, तो ये जो पूछा है 1 में 3, 4, 5, 6 ये एंथर पोलन ग्रेन्स एंथर या फिर फ्लामेंट आ जाता है, तो 1 जो है वो तो मेल पार्ट हुआ तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है 6 पूछा है हमारे पास और 6 हाँ 6 जो है ये तो ये भी एक उसका पार्ट है मेल गैमेटोफाइट का पार्ट है। उसके बाद 7 है 9 है 12 है, तो 7 भी नहीं, ये तो नहीं होगा, ये पेटल या सेपल का पूछ रहा है। उसके बाद 9 9 जो है वो स्टिग्मा, ये भी नहीं, ये फीमेल पार्ट तो है लेकिन फिर भी देखते हैं इसमें। लास्ट कौन सा 12 जो है वो ओवरी है ना ओवरी, तो ये जो फीमेल पार्ट होगा वो 12 होगा ओवरी, फीमेल पार्ट पूछ रहा है ना, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो 12 है यानी ई। एमसीक्यू नंबर 14 फ्रॉम द डायग्राम गिवन इन क्वेश्चन नंबर 13 ये डायग्राम है वेयर डू पोलन ग्रेन्स डेवलप, इन सारों में से पोलन ग्रेन्स कहां पर डेवलप होते हैं, तो ये तो बिल्कुल इजी है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर में डेवलप होते हैं, है ना, तो इधर एंथर यानी मेल गैमेटोफाइट तो हम उसको 1 भी कह सकते हैं, उसको हम 1 भी कह सकते हैं, 1 यानी 4 में जो है वो हाँ एंथर जो आ गया इधर, ये एंथर 4 का शो कर रहा है 4, तो एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, तो इस हिसाब से 4 यानी ए इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 15 द फीमेल गैमेट ऑफ अ फ्लावर इज फॉर्म्ड इन द, फीमेल गैमेट जो फ्लावर का होता है वो किस में पाया जाता है, पोलन ग्रेन्स में, पोलन ट्यूब में, स्टिग्मा स्टाइल या फिर एम्ब्रियोनिक सैक में, फीमेल गैमेट जो होता है फ्लावर का वो किस में पाया जाता है,
फीमेल के में पोलन ग्रैंड में तो पाया नहीं जाता, पोलन ट्यूब अलग चीज है, वो पोलन ग्रैंड जो बनाता है, स्टिग्मा उसमें भी नहीं है, स्टाइल में भी नहीं है, तो क्या बच्चा एम्ब्रियोनिक सैक में ना, एम्ब्रियोनिक सैक जो होता है ऊपर डायग्राम दिखा देता हूँ, ये जो एम्ब्रियोनिक सैक है इसमें पोलन, इसमें जो है वो फीमेल जो गैमेट पाया जाता है। एमसीक्यू नंबर 16, व्हाई डू सम रूट सेल हैव हेयर, रूट हेयर, तो ये पूछ रहा है कि जो रूट सेल्स होते हैं उनको रूट हेयर क्यों होते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेल्स, जो व्हीकल का सेल्स होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, या फिर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल, या फिर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, या फिर सेल टाइप का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, या फिर टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस को जगह देने के लिए, या फिर टू अलो मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, या फिर सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं मूवमेंट के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है, रूट हेयर सिर्फ इसलिए होते हैं कि जो सरफेस एरिया वाटर एब्जॉर्प्शन या फिर मिनरल एब्जॉर्प्शन की बढ़ जाए, है ना, बढ़ जाए, तो उस हिसाब से रूट हेयर जो काम करते हैं वो सरफेस एरिया के हिसाब से, कि सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो पानी में ज्यादा एब्जॉर्ब होगा और मिनरल्स भी ज्यादा ऑब्जॉर्ब होंगे। एमसीक्यू नंबर 17, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि चारों में से डिफरेंट है, लिकोप्सिडा, माइनस ए सही, या टीरोप्सिडा, कैसेल्पिनिया सही, या फिर एंथोसीरोटी। तो ये इन चारों में से जो ऑड वन है यानी डिफरेंट है वो है एंथोसीरोटी, है ना, ये किसी चीज का एग्जांपल है। एमसीक्यू नंबर 18, द डायग्राम शोज फ्लावर इन लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बिफोर द हेड डेवलप फुली, प्लांट ब्रीडर रिमूव द स्ट्रक्चर लेबल एक्स एज शोन, ये पूछ रहा है जो प्लांट है ये एक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन उसका निकाला है हमने, और ये जो जगह एक्स मार्क की गई है एक प्लांट ब्रीडर ने उसे ये इस जगह काट दिया है, इसको काट दिया और ये इस तरह कुछ इस तरह लगेगी, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग दिस स्ट्रक्चर, अगर हम इन स्ट्रक्चर को रिमूव करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, इट प्रिवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रोकेगा, या फिर इट प्रिवेंट्स द फ्लावर फ्रॉम बीइंग पोलिनेट, या फिर ये फ्लावर्स को पोलिनेशन पोलिनेट होने से रोकेगा, या फिर इट प्रिवेंट द फ्लावर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सीड्स, या फिर ये फ्लावर को सीड प्रोड्यूस करने से रोकेगा, या फिर इट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, या फिर ये ओवरी को फ्रूट में तब्दील होने से रोकेगा, या फिर इट प्रिवेंट्स द फ्लावर फ्रॉम पोलिनेटिंग इटसेल्फ, या फिर ये फ्लावर को खुद ब खुद पोलिनेट होने अपने ही फ्लावर को पोलिनेट होने से रोकेगा। तो पहले हम देखेंगे इसने रिमूव क्या किया है, तो ये है फीमेल पार्ट, ये है मेल पार्ट, तो इसने मेल पार्ट को रिमूव किया है। मेल पार्ट में क्या आते हैं पोलन ग्रेन्स, अगर ये पोलन ग्रेन्स इधर उसको इधर अगर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एक फ्लावर से एक ही प्लांट में सॉरी मैं बोल रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पोलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन एक क्रॉस पोलिनेशन, तो सेल्फ पोलिनेशन होने से ये रोक रहा है ना, अगर ये इसको काट देता है तो इसके पोलन ग्रेन इसी के ही स्टिग्मा से नहीं अटैच होंगे, ये जो कट जाएगा तो उसके बाद पोलन ग्रेन इसके अटैच होंगे ही नहीं। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है कि एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाते हैं, तो अगर ये मेल पार्ट काट देगा तो उसको ये सेल्फ पोलिनेशन को रोक देगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है ई, इट प्रिवेंट्स द फ्लावरिंग फॉर पोलिनेटिंग इटसेल्फ, यानी सेल्फ पोलिनेशन को ये रोकेगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 19, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ फ्लावर आफ्टर इट हैज बीन पोलिनेट, ये डायग्राम जो ये बता रही है कि ये एक फ्लावर का पार्ट दिखा रहा है जिसमें पोलिनेशन हो चुकी है, पोलिनेशन के बाद का पार्ट दिखा रहा है, तो ये बोल रहा है 1, 2, 3, 4, ये बोल रहा है 1, 2, 3, 4 का नाम क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं 4 जो है 4 से शुरू करते हैं, 4 क्या है, ये तो स्टिग्मा का बता रहा है 4 स्टिग्मा ऑफ, लेकिन गलत दिखा है 4 है पेरिकार्प, तो ये डी तो होगा ही नहीं। फिर आते हैं 3 पर ये बोल रहा है ये ओविल की दिखा रहा है, फिर 3 ओविल, हाँ ये होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं हम, ठीक है। B2 ये बोल रहा है एम्ब्रियोनिक सेक का, फिर देखते हैं नहीं ये सीड लिखा हुआ है ये गलत है, उसके बाद फिर स्टिग्मा लिखा नहीं है, स्टिग्मा नहीं ये पेरिकार्प है, तो ये भी गलत है, तो इस हिसाब से सी बिल्कुल सही है, क्योंकि सी का जो लेबल किया गया है सी ये ओव्यूल ही है, सी का नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है इन्होंने, तो सी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 20, द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली रोजेसी और रोज फैमिली इज, तो ये पूछा रोज फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला कौन सा है, तो ये तो सबने पढ़ा होगा क्योंकि ये पहली फैमिली हम किताब में पहले यही लिखी हुई है, तो सबने पढ़ा होगा कि ये जो है इसका फ्लोरल फार्मूला क्या है, इसका फ्लोरल फार्मूला होगा डी, ये वन, और ये भी इसकी निशानी हो सकती है।
ठीक है, एमसीक्यू नंबर 21, द बोटेनिकल नेम ऑफ शुगर केन इज, शुगर केन का बोटेनिकल नेम क्या है? टैमरिंडस इंडिका, सैक्रम ऑफिसिनेरम, बोहनिया वेरिगेटा, पोइनिया रिजिया या फिर पार्किनोसिया रॉक्सबर्गिया। तो शुगर केन का जो बोटेनिकल नेम है वो है हमारे पास ये पोइनिसिया रिजिया, पोइनिसियाना रिजिया। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 22, द बोटेनिकल नेम ऑफ राइस इज, राइस का बोटेनिकल नेम पूछ रहा है हमारे से, ओरिजा सेटाइवा या फिर एविना सेटिवा, बोहनिया वर्गेटा, जीमेल, पार्किनोसिया रॉक्सबर्गिया। तो राइस का जो बोटेनिकल नेम है हमारे पास वो है ओरिजा सेटाइवा यानी ए। एमसीक्यू नंबर 23, द बोटेनिकल नेम ऑफ बार्ले इज, बार्ले का बोटेनिकल नेम क्या है? टेरामिंडस इंडिका, हॉरेंडियम वुलगेर, बोहिनिया वर्गेटा, ट्राइटिकम इंडिकम या फिर पार्किनोसिया रॉक्सबर्गिया। तो बार्ले का जो बोटेनिकल नेम है वो है हॉरेंडियम वुलगेर यानी बी। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 24, द बोटेनिकल नेम ऑफ पीनट इज, पीनट का जो बोटेनिकल नेम क्या है? पाइसम सेटिवम या फिर साइसियर, रेटिनम, लेथायरस ओडोरेटस, एलएचएस हाइपोगिया, सिस्बेनिया एगेप्टिका। तो पीनट का बोटेनिकल नेम वो है एरेकस हाइपोगिया। MCQ number 25, लास्ट MCQ, द बोटेनिकल नेम ऑफ टोमेटो इज, टोमेटो का बोटेनिकल नेम क्या है? ये तो सिंपल सिंपल बोटेनिकल नेम सबको याद होने चाहिए क्योंकि ये MDK में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल लव्स हमने सुना है टोमेटो पोटेटो, इन सब का बोटेनिकल नेम सबको आना चाहिए। लिकोपर्सिकम, एस्क्यूलेंटम, पेटूनिया अल्बा या फिर डेट्यूरा अल्बा, रेकस हाइपोगिया या फिर सोलेनम ट्यूबेरसम। तो टोमेटो का बोटेनिकल नेम है लाइकोपर्सियम एस्क्यूलेंटम यानी ए। तो ये हमारा लास्ट MCQ था। इन सारे MCQs के मैंने एक PDF बनाकर अलॉन्ग विथ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप उसको क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और पास में बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।